वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है सेल के साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो है दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है, एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी न्यूक्लियस के साथ ही सराउंड करती है। अब आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के साथ जो है एक ऑर्गेनेल अटैच होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर एनवेलप की वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी न्यूक्लियस के साथ ही सराउंड करती है, यानी कवर अप करती है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उसी को ही सराउंड करती है, उसी को ही अपने अंदर इनक्लोज करती है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ पॉइंट्स पे आपस में जुड़ जाते हैं और पोर्स क्रिएट करते हैं। इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स जो है ये क्या काम करते हैं? तो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान में मटीरियल्स का एक्सचेंज होता है, यानी मटीरियल जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से और न्यूक्लियस से सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी हर सेल के न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जिसमें शामिल हैं एग्स, तो इनके अंदर बहुत से पोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इनके न्यूक्लियस में, मतलब एक न्यूक्लियस में 30,000 पोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इसी तरह डिफ्रेंशिएटेड सेल्स की बात करें तो इनमें हमारे पास शामिल हैं एरिथ्रोसाइट्स, तो इनमें जो है पर न्यूक्लियस 3 या 4 पोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। हर पोर जो है वो डेफिनेट स्ट्रक्चर रखता है, यानी उसकी एक अपनी स्पेसिफिक शेप होती है जो कि सब्सटेंस के पासिंग होने की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। यानी सब्सटेंस की मूवमेंट जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में इन्हीं पोर्स के जरिए होती है, और यही पोर्स जो हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। वैसे पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, तो इसी में हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड पे अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस स्मूथ होती है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी सरफेस जो है वो रफ होती है, स्मूथ बिल्कुल नहीं होती। और इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सेंसेस का काम करते हैं। ये तो होगी इस ऑर्गेनेल की बात जो कि न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। ये है पूरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है एक डार्क ऑर्गेनेल होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है आपको, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। और ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है, एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब दोनों मेम्ब्रेन्स में से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी अंदर ही साथ सराउंड करती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर कंटेंट यानी न्यूक्लियर के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको सराउंड करती है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मटेरियल होता है? क्रोमेटिन मटेरियल होता है, यानी क्रोमोसोम्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ पॉइंट्स पे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और एक पोर बनाती हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर पोर का नाम देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन।